अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां घर से सुबह स्कूल के लिए निकला छात्र अचानक लापता हो गया। जानकारी उस समय हुई जब स्कूल बस बस स्टॉप के पास पहुंची, लेकिन छात्र नहीं मिला। सभी छात्र छात्राओं ने घर में जाकर जानकारी जुटाई तो परिजनों ने बताया कि वह कुछ देर पहले ही स्कूल ड्रेस और बैग लेकर बस स्टॉप के लिए निकल चुका है। बस कुछ देर तक इंतजार करती रही और जब छात्र नहीं आया तो बस आगे बढ़ अन्य छात्रों को लेने के लिए आगे निकल गई। छात्र के स्कूल न पहुंचने की जानकारी परिजनों को हुई तो घर में कोहराम मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई और तलाश शुरू हुई तो कुछ ही समय बाद छात्र स्कूल ड्रेस में रेलवे स्टेशन में मिला। छात्र के द्वारा बताया गया कि चार लोगों के द्वारा उसे बस स्टॉप से उठाया गया था। जब उसकी आंख खुली तो वह रेलवे स्टेशन में था। अपहरण की जानकारी लगते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा और आनन फानन में छात्र से पूछताछ की गई तो कहानी कुछ दूसरी ही निकल कर आई कि छात्र अपनी इच्छा से स्कूल ना जाकर रेलवे स्टेशन पहुंचा था और भ्रमित करने के लिए अपहरण की कहानी बता दिया था। दरअसल मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के विंध विहार कॉलोनी का है, जहां का रहने वाला छात्र राजवीर स्कूल जाने के लिए 7:40 पर घर से निकला और लापता हो गया। फिलहाल छात्र के सुरक्षित मिल जाने से पुलिस प्रशासन और परिजनों ने राहत की सांस ली है। छात्र किन परिस्थितियों में रेलवे स्टेशन पहुंचा और उसका उद्देश्य क्या था, इसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है।